चैप्टर टू हम पढ़े थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स को हम न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इसकी एसिडिक नेचर है और दूसरा ये कि हमने इसको न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट किया है। इसको फर्स्ट टाइम जो है वो 1869 में न्यूक्लियस के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया गया था और इसको जो नाम है वो न्यूक्लिक एसिड का दे दिया गया था। न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हमारे पास? बेसिकली हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो हम जिनको हम पढ़ते हैं। एक हमारे पास है डीएनए और दूसरा है आरएनए। इसको आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, डीएनए और आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक एक करके हम इनको डिटेल में देखते जाएंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर है इनके। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो डीएनए जो है हमारे पास, डीएनए ये क्रोमोसोम का पार्ट होता है। क्रोमोसोम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट है। इसके साथ साथ लिख के मैं आपको बताती जाती हूँ। एक तो ये मैंने आपको बताया कि ये क्रोमोसोम का पार्ट है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेल की ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। जबकि आरएनए जो है इसकी लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है? ये सेल के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर और साइटोसोल, इसके अलावा कुछ अमाउंट इसकी बाकी सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो ये तो इसकी लोकेशन होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली हैं क्या। हम इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, कुछ डिटेल हम न्यूक्लिक एसिड की देख लेते हैं। तो हमने ऊपर पहले टाइप्स देखी है। न्यूक्लिक एसिड है क्या? न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कम्प्लेक्स इस तरह से है कि हमारे पास लॉन्ग चेन्स होती हैं, पॉलीमर्स होते हैं और उसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। उसकी कंपोजिशन हम अब देखेंगे। कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं और इन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के एक यूनिट, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि कंबाइन हुए हैं और एक लॉन्ग चेन बनी हुई है। और ये जो एक लॉन्ग चेन, इसके अंदर से अगर आप किसी एक यूनिट को स्टडी करें तो वो जो एक यूनिट है जिसका एक मोनोमर है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। जबकि अगर हम इस पूरी लॉन्ग चेन की बात करें तो ये पूरी की पूरी लॉन्ग चेन जो है वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हो जाएगी। अब ये एक जो यूनिट जिसकी हमने बात की है, एक यूनिट के अंदर होता क्या है, इसको अगर हम डिटेल में देखें, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले इसके हम कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके मिलके मिलाने से हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बनता है या एक पूरा 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 का पूरा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है उसको आप कह लें, एक तो हमारे पास है जी फॉस्फोरिक एसिड। या फिर हम इसको फॉस्फेट ग्रुप भी कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरा है हमारे पास एक शुगर, शुगर ग्रुप। और तीसरा है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। एक एक करके हम इनको देखते जाते हैं। फॉस्फोरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है, H3PO4। ये फॉर्मूला इसका। शुगर ग्रुप क्या है? शुगर ग्रुप में हमारे पास एक पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर, शुगर्स को हम ऑलरेडी पीछे अपने दूसरे लेक्चर्स के अंदर डिटेल में आपको बता चुके हैं। पेंटोस शुगर है हमारे पास और ये जो पेंटोस शुगर है इसे हम राइबोस कहते हैं। आपको अलग से इसको हम पढ़ते हैं, शुगर ग्रुप। ये जो शुगर ग्रुप है इसके अंदर हमने आपको बताया कि हमारे पास है एक पेंटोस शुगर।
अगर हम आरएनए की बात करें हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड की, तो उस राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो पेंटोज शुगर है उसे हम कहते हैं राइबोस। जबकि हम अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर ये जो पेंटोज शुगर है इसे हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। तो ये हमारे पास एक शुगर ग्रुप है। इसके बाद हमारे पास आते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। इनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बेस जो है हमारे पास दो टाइप्स की हैं, एक को हम कहते हैं प्योरीन्स और एक को हम कहते हैं पायरामिडेट। ये दो टाइप्स किस तरह से बनी है, इस तरह से बनी है कि एक जो हमारे पास टाइप है जो कि हमारे पास पायरामिडीन, उनके अंदर ये सिंगल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, जबकि जो प्योरीन हैं इनके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमारे पास दो टाइप्स होगी, एक प्योरीन और एक पायरामिडीन्स। अब ये जो दो टाइप्स हैं इनके अंदर कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं। प्योरीन्स जो हमारे पास है, प्योरीन्स के अंदर पहली जो टाइप है वो है एडिनिन। कलर चेंज करके देखते हैं, जिसको हम ए से भी डिनोट करते हैं। और दूसरी हमारे पास जो बेस है उसे हम कहते हैं ग्वानिन, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और जो पायरामिडीन है उसके अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एक हमारे पास है जी थायमिन, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, और दूसरी हमारे पास साइटोसिन, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और ग्रुप भी है जिसे हम कहते हैं यूरेसिल। ये भी एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है थायमिन की जगह, तो इसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हो गई हैं। किसी भी डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ये बेसिस ज़रूर प्रेजेंट होंगी। इनके अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखना चाहें तो इनके स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से हैं। ये जो हमारे पास है ये इसे हम कहते हैं साइटोसिन, और ये है जी हमारे पास थायमिन, और ये दोनों मिला के क्योंकि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास पायरामिडीन है, जबकि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एडिनिन का, और ये स्ट्रक्चर है जी हमारे पास ग्वानिन का, और ये दोनों अगर हम कंबाइन करें तो इसको हम कहते हैं ये प्योरीन्स है। प्योरीन्स क्यों है? बिकॉज इनके अंदर हमारे पास डबल रिंग्स है, दो रिंग्स हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स। अब हम इन सबको इकट्ठा मिला के देखेंगे कि इससे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कुछ आप बेसिक इक्वेशन से इसको इस तरह से समझ लें कि अगर तो हम नाइट्रोजनस बेस के अंदर हम शुगर ग्रुप ऐड कर दें तो हमारे पास जो न्यू स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं वो है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और इसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दें, इसके अंदर ऐड कर दें, तो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड जो है बेसिकली इसको ऐड करें तो हमारे पास बन जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और ये बनता किस तरह से है, एक स्ट्रक्चर हम आपके सामने बना के दिखाते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले तो हम लेते हैं एक नाइट्रोजनस बेस।
लेट्स सपोज हमारे पास है एक थायमिन। सबसे पहले तो हमने आपको जैसे बताया कि हम एक नाइट्रोजनस बेस को शुगर के अंदर ऐड करेंगे, तो नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज हम थायमिन को ले लेते हैं। थायमिन का स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ इस तरह से है। तो ये तो हमारे पास बन गया थायमिन का स्ट्रक्चर। थायमिन के साथ हमने अटैच करना है शुगर को, जो कि है डीऑक्सी राइबोस, क्योंकि हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर का कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसको हम अलग से बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बन गया। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर और जो एक थायमिन का स्ट्रक्चर है, ये आपस में किस तरह से कंबाइन है, ये इस तरह से कंबाइन है कि ये जो नाइट्रोजन है ये बॉन्ड बना रहे हैं हमारे इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, थायमिन और शुगर का स्ट्रक्चर इकट्ठा, जिसको हमने कहा था कि ये ओवरऑल न्यूक्लियोसाइड बन गए। इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर अब हमने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है। फॉस्फेट ग्रुप कुछ इस तरह से बनता है जी। तो ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप बन गया। अब ये जो फॉस्फेट है, ये इस पूरे के पूरे न्यूक्लियर साइड से किस तरह से कम्बाइन हुआ हुआ है, इस तरह से कम्बाइन है कि यहाँ पे हमारे पास इस ऑक्सीजन की इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बन जाती है, और ये पूरा का पूरा हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं कि ये है थायमिन, और ये जो पार्ट है हमारे पास, इसे हम कहते हैं ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और ये जो पार्ट है ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। और ये ओवरऑल अगर हम इसे देखें, ये हमारे पास पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया। न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो एटीपी इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, एनर्जी पैकेट, जो हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमने देखा था, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि तीन फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, तो स्ट्रक्चर से नहीं, मैं आपको लिख के बताती हूँ कि एटीपी जो है इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास सपोज एडिनिन ग्रुप है, एडिनिन शुगर है, और इसके साथ हम अटैच कर दें एक राइबोस ग्रुप को। राइबोस एडिनिन बेस थी और राइबोस शुगर, और राइबोस शुगर के साथ हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच करें। अब अगर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, तो ये हमारे पास एटीपी का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एटीपी इस तरह से हुआ कि अगर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फोरस का एक यूनिट है, तो उसे हम कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, इस तरह से है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, इसे हम कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फॉस्फेट का सिर्फ एक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करें, यानी इसी से आगे हम एक और फॉस्फोरस का ग्रुप अटैच कर दें, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो तो कुछ इस तरह से अटैच हो जाए, तो ये हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन। इसी तरह इसके साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास आ जाए, तो ये हमारे पास बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी है क्या? एटीपी को हमने पहले पढ़ा था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी पैकेट्स होते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है, इससे हमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस के दरमियान ये डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज कैरी करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी के थ्रू मिलती है। ये तो हमने देखा है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं हमारे पास। अगर सिंगल चेन है तो हम उसे कहते हैं मोनो न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह हमारे पास होते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड और पॉली न्यूक्लियोटाइड। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। ये तो हमारा आज का टॉपिक था, न्यूक्लिक एसिड। इसको एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने न्यूक्लिक एसिड्स को देखा, उसकी दो टाइप्स डीएनए और आरएनए को देखा। उसके बाद हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टडी किया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो लॉन्ग चेन होती है, और ये जो लॉन्ग चेन है इसका स्ट्रक्चर कुछ किस तरह से होता है। इसका एक यूनिट को हमने देखा, उसके अंदर बेसिक हमने कंपोनेंट्स देखे, तीन कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फोरिक एसिड,
शुगर ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस। शुगर ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या है, पेंटोज शुगर होती है। नाइट्रोजिनस बेसिस के हमने डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया, प्योरीन्स को, पायरामिडीन्स, और इनके अंदर जो जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं इनके स्ट्रक्चर्स को देखा। उसके बाद फिर हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखा कि ओवरऑल न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर थायमिन बेस को हमने देखा, उसके बाद हमने पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड को इसके साथ कंबाइन करके पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। उसके बाद हमने एटीपी को देखा कि एटीपी क्या चीज़ है और एटीपी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियोटाइड्स की मज़ीद टाइप्स को स्टडी करेंगे।